स्टूडेंट ये आपके चैप्टर नंबर थ्री के शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लिखे हुए। आप इसको याद कर सकते हो कि एवरेज क्या है ऑफ uh, सेंट्रल क्या है तो उसका आंसर आपको गिवन है हम पढ़ भी चुके हैं कड़ी होती है मयूर और जो एवरेज है वो सिंगल वैल्यू जो कि तमाम डेटा को रिप्रेजेंट करती है इसी तरह हमारे पास इंपॉर्टेंट एडवांटेज एंड पास लिखे हुए हैं हमारे पास method, यू जो है, उसके बारे में आपने बताने ठीक है, है? Then, ले रहे होते हैं, तो हम ईच एंड एवरी वैल्यू को वेट्स इंक्लूड कर रहे होते हैं फिर कंपेयर द वेटेड मीन विद मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन फॉर ग्रुप डेटा एंड आन डेटा के लिए आपने बताने कॉमन एडवांटेज एंड कॉमन डिसएडवांटेज मीडियन एंड मॉड जो कि हम पढ़ भी चुके हैं ये भी आपके लिखे हो आप इसे और इजिली पढ़ सकते हो Mean is affected, the change of origin and scale. आपने कैसे बताने के कैसे हमारे पास चेंज होगा अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर नाइन है वो आपको कहने के फाइव स्टूडेंट ये आपको गिवन है ठीक है दीज कोड्स आर चेंज एडिंग टेन पॉइंट्स

देन हमारे पास इंस्टीट्यूशन सिचुएशन वुड ज्योमेट्रिक मीन एज अप्रोप्रिएट मैर एज कम्पेयर टू द मीन तो वो हमें ये गिवन दी गई है हमारे पास जो की पीरियड ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज जो है वो हमारे पास ये एवरेज ग्रोथ रेट जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में फाइन करते हैं इसी तरह वेटेड ज्योमेट्रिक मीन क्या हमारे पास ये गिवन होता है ठीक है जो कि हम पढ़ भी चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूलाज क्या है ये एक एग्जाम्पल भी आपके पास आई थी तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला आपने याद रखना है ये बहुत कम आता है लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए फिर हमारे पास क्या है मीडियन इन हिस्टोग्राम हमारे पास क्या होता है आपने ये बताना है एवरेज पोजिशन आपके पास क्या है तो ये भी आपको गिवन है आंसर इसी तरह मीन फॉर द ग्रुप डेटा इज कैलकुलेटेड है उसके लिए क्या assumptions हैं आपने वो बतानी है then six different statistical terms जो हैं वो आपने बतानी है एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है इंटरप्रेट करना है सिग्निफिकेंस ऑफ ईच के लिए तो ये आपके पास वैल्यूज गिवन है कि आपने जो क्वार्टाइल्स वन सेवन या जो भी आपने फाइन कर हो या आपने फाइन करने, है। करने हैं क्वार्टाइल्स एक्सप्रेस अगर में करें तो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है कैन ऑल डिसाइल्स एक्सप्रेस डेज परसेंटाइल्स आप इसको शो कर सकते हो डिसाइल्स को परसेंटाइल्स में फाइंड टू नंबर्स आइटम अच्छा ये हमारे पास जो एक्स क्यू वन की वैल्यू है वो आपके पास p25 की इक्वल आती है क्योंकि 25 डिवाइड बाय 100 करो तो आपके पास q1 की इक्वल आएगा ठीक है तो ये आपके इस तरीके से बताएं कि q3 p75 की इक्वल वैल्यू आती है तो ये तमाम चीजें आपने बतानी है क्वार्टाइल डेसाइल्स को हमने इक्वेट करना है परसेंटाइल्स के फिर वो हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास वैल्यूज क्या है मीन गिवन है नाइन पॉइंट थ्री और ज्योमेट्रिक मीन इज 70.5 तो आपने वैल्यूज फाइंड करनी देखिए मीन के लिए हमारे पास ये था ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने ये फाइंड किया यहाँ से आप ए एंड बी ये आप देख लें हमारे पास ए एंड बी टू इक्वेशन में से आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि बी uh, की वैल्यूज लेके आप इसमें पुट कर सकते हो ए की जगह और फिर ए की आपके पास वैल्यूज आएगी तो आप उस बी में पुट करके फाइंड कर लेना अब यहाँ हमारे पास वही अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज है कि की जहा लगाना होता है हमारे पास लाइ करती है तो वो आपने लगाना है फिर हमारे पास क्वेश्चन है फॉरेस्ट सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे गिवन है फाइव एटीन

फिर हम कहते हैं वट आर द डिजायरेबल ऑफ़ गुड एवरेज ये भी आप कर के लिए मीन आप एवरेज शो करते हो नॉट ज्यादा रिक्वायर्ड वैल्यू जोमेट्रिक मीन रेश के लिए हार मीन स्पीड वगैरह के लिए फिर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है और आपको जो रिलेशनशिप गिवन होता है उसको फाइंड करते हुए ये वैल्यूज फाइंड कर लेनी ज्योमेट्रिक मीन आपके पास गिवन है तो आप ये फार्मूला लगा के पुट कर सकते हो ये भी वही रिलेशन आपको गिवन है ठीक है फिर ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड करने के लिए कह रहे हैं आप इजिली फाइंड कर सकते हो यहाँ से अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है दंबर्स इज एट तो ये आपको सम ऑफ द टेन नंबर गिवन है इसी तरह अलेवन नंबर्स के लिए गिवन है एंड अगर इन दोनों को माइनस करते हैं आपको आंसर आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइन करना आता है ज्योमेट्रिक मीन को करना है फिर आपके पास है मीडियन आप ग्राफ में कैसे शो करते हो आपने ये बताना है मिडिल वैल्यू होती है एक्सएस पे क्या शो करते हो और आ, वाई एक्स पे फिर हमारे पास क्वेश्चन ये कुछ आ गए हैं जिसमें हमने डिस्क्राइब करना है ये तमाम चीजें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है मीन आपको गिवन है मीडियन भी गिवन है फाइंड आपने करना है मॉड यूजिंग इम्पेरिका रिलेशन इम्पेरिका रिलेशन में जो आपको फार्मूला गिवन था मॉट का उसमें पुट करें और आंसर ले लें इसी तरह मीन ऑफ फिफ्टीन ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है आपने ऑफ एक्स फाइंड है फिर आपने कोेक्टेड जो है वैल्यूज उसको एड कर देना है माइनस करना है वैल्यूज को और कर लेना है मीन कर लेना और ये हमारे पास अगर आपको एज्यूम वैल्यू गिवन है फिर आपने डी का फार्मूला लगाना है हार्मोनिक मीन में आपने रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज लेनी होती है सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द फ्रॉम द दी इज फिफ्टी फाइव द अर्थमेटिक मीन देखिए हमारे पास अब क्या गिवन है ये वैल्यूज गिवन है और आपके पास ये तमाम चीजें तो इसे फाइन कर लेना ठीक है सिंपल फार्मूला है इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं मीडियन फॉर मीडियन विद फार्मूला आपके पास क्या आ जाता है मीडियन फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा दोनों के लिए आपके पास गिवन है ठीक है ये फॉर द इवन नंबर है और ये फॉर द दंबर्स है तो ये आपके पास गिवन है इवन एंड ऑड नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन आप फाइन कर सकते हो या आपको गिवन है डिवियशन के लिए और मीन ऑफ द थ्री ग्रुप्स इच कंटेनिंग टेन वैल्यूज तो आपको ये भी गिवन है कंबाइंड मीन फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हो फिर कहते हैं मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हार्मोनिक मीन तो आप सिंपल पहले बी की वैल्यू फाइन करें हार्मोनिक मीन फाइंड कर लें इस फार्मूले से हमारे पास क्या है मीन द एन वैल्यू इज एट है और मीन फोर है हम पढ़ चुके हैं ये वीडियोज भी आपको गिवेन है आप इजी पढ़ सकते हो डिसंटेज ऑफ जोमेट्रिक मीन भी हम पढ़ चुके हैं आपके पास वीडियो मौजूद है या हमने सिंपल फार्मूला लगाया हुआ है इस पे चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल वाला

फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मॉड 15 है एंड मीन ये है तो आप रिलेशनशिप लगा के फाइंड कर सकते हो रिलेशनशिप आपको गिवन था ये वो मीन की प्रॉपर्टीज है कि आपने अपनी वैल्यूज को पुट करना है और आंसर ले लेना है फिर हमारे पास जी आ जाती हैं ये वैल्यूज आपने यहाँ क्या फाइंड करना है ये values, करने आपको गिवन है और आप इजिली इसको फाइंड कर फिर हमारे पास ये भी क्वेश्चन है जिसमें हमने कंबाइन मीन फाइन करना है तो आपको ईच एंड एवरी थिंग गिवन कम्बाइन मीन फाइन कर लो नेक्स्ट में भी आपको मीन ही करना है है और आपको तमाम वैल्यूज गिवन आप कर सकते हो फिर हमारे पास है कि आपको कहते हैं मीन मीन इज इज दिस वन है ये हमारे पास आ गया अर्थमेटिक मीन और ये जोट्रिक मीन इन दोनों को सॉल्व करें ए एंड बी की वैल्यूज पुट करें और फिर आपके पास जो इक्वेश आएंगी वहां से ए एंड वैल्यू की वैल्यूज की पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक मीन जोमेट्रिक मीन हार्मोनिंग मीन को आपने डिफाइन करना है आप कर लोगे सिक्सटी टू हमारे पास क्या है कि हमने एफ यू में तो चेंज ऑफ ओरिजन स्केल वाला फार्मूला लगाना ही है तो आपके पास क्वेश्चन हल हो जाते हैं आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो अला हाफिज